खबर उन्नाव से है, जहां यूपी के जनपद उन्नाव में जिले के पूर्ति विभाग पूर्व क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक हिलौली क्षेत्र के पंसारिया कोटेदार वी प्रकाश शुक्ला के कारनामे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाभार्थियों को मिलने वाले राशन की घटतौली में अजीबोगरीब राशन घटतौली में 2 किलो की पोटली का कारनामा कोटेदार से ज्यादा समय तक टिका नहीं। लाभार्थियों के विरोध करने पर कोटेदार से झड़प हो गई। बात यहीं तक नहीं रुकी, कोटेदार द्वारा की जा रही घटतौली का लाभार्थियों ने वीडियो बनाया तो कोटेदार ने लाभार्थियों का फोन तोड़ दिया। वहीं उप जिलाधिकारी पूर्वा को दिए गए शिकायती पत्रों में लोगों ने बताया कि हर लाभार्थी को राशन देते समय राशन की तरफ वाले पलड़े में कोटेदार देवी प्रकाश तो 2 किलो मोरंग की पोटली रख देता है। विरोध करने पर कोटेदार अशब्दों के प्रयोग कर हमारे साथ मारपीट करता है। शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक को जांच कर कार्रवाई की बात कही है। देखते हैं उन्नाव से राजेश कुमार यादव की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है भी आपका? सुभाष कुमार है। कहाँ के निवासी? ग्राम पंचायत सुखाई पंचायत। अच्छा, आज आप पूर्वा तहसील आए हैं, एसडीएम साहब से मुलाकात की, किस वजह से आना हुआ, क्या कुछ मामला है? भैया मामला ये है, हम लोग सरकारी राशन गुल्ले की दुकान के मामले में आए हैं जी। बहुत ही धांधली चल रही, वहाँ लूट चल रही है। हम लोग कल राशन लेने गए, महिलाएं गई हमारे साथ की 2-3 गाँव की जी। तो वहाँ 1.5 kg कम से कम एक मोहरंग की गट्ठी बना के तर्जुम रख रहे थे हर किसान पे जी, हर यूनिट पे जी। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया जी। देवी प्रसाद शुक्ला कोटेदार है हमारे यहाँ के जी। उन लोगों ने हम लोगों से वीडियो बनाने की कोशिश की तो हम लोगों का फ़ोन तोड़ दिया गया, हम लोगों के राशन कार्ड फाड़ के भगा दिए गए जी। और कहा गया जाल सूचक गालियों का शब्द किया गया, उपयोग किया गया, कहा गया कि भगा दिया गया कि जाओ जो करना कर लो, राशन तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो गंदी गंदी गालियों का उपयोग किया। तो शिकायत जब आप लोगों ने की तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? एसडीएम साहब ने तत्काल आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग जाओ उचित कार्रवाई करेगी, कोटे को हम लोग देख रेख करते हैं, कोटे को जल्द से जल्द उसको हम लोग उचित कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम ब्रजेश कुमार रावत है। अच्छा, आप इस समय पूर्वा आए थे उप जिलाधिकारी के पास, क्या कुछ शिकायतें थी लेकर आए थे आप? पत्र ये है कि कल राशन लेने गए थे जो हमारे कोटेदार हैं देवी प्रसाद शुक्ला जी जी, उनका गांव है पंसरिया, पंसरिया में कोटे का वितरण होता है जी। इसमें राशन लेने गए और हमारे कई ग्रामवासी भी साथ में थे। हम राशन लेने गए तो वहाँ पे जैसे ही हम राशन लेने गए देखा वहाँ पे तो एक गठूठी बांध के रखे थे, समथिंग 1.5-2 किलो के करीब होगी जी। उसको जब कई लोगों को उन्होंने दे रहे थे, जैसे ही राशन रख रहे थे तराजू पे वो गठूठी रख देते थे, जिसमें कि बाहर तौलने पर वो समथिंग 1-1.5 किलो की कम निकल रही थी, जिसका विरोध करने पर वीडियो बनाने पर हम लोगों का मोबाइल छीन लिया गया कोटेदार द्वारा जी। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली दिया और बोला कि जाओ जो तुम्हें करना है कर लो, हम ऐसे ही तौल के राशन वितरण करेंगे। इसकी शिकायत पत्र हम लोग आज एसडीएम जी के पास आएंगे। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया है कि तुरंत अभी फोन किया है हमारे सामने जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि कोटा सस्पेंड हो जाए जी। धन्यवाद।